हे नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की गाड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों में कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लगने की वीडियो सामने आई है। और अभी कल की बात करें तो कल पुणे में भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की वीडियो सामने आई है, जिस गाड़ी का नाम है ओला। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की वीडियो सामने आई है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले वो वीडियो दिखा देता हूँ, फिर उसके आगे बात करते हैं। अरे यार ये गाड़ी का आग तो बंद होएगा ना, नहीं तो इधर से नुकसान हो जाएंगे, आप फूट बिट जाएंगे। वो चालू है कि? हाँ वो चालू है सर। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, गाड़ी किस प्रकार से जल गई है, और मेरे हिसाब से कुछ रीज़न मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि मेरी क्या राय है इस गाड़ी में आग लगने की वजह। तो सबसे पहले अगर रीज़न की बात करें तो जो ये गाड़ी खड़ी थी वह धूप में खड़ी थी। तो जानते हैं दोस्तों, आप गर्मी ज़्यादा बढ़ चुकी है, गर्मी बढ़ने से जो बैटरी का टेम्परेचर है वह भी हाई हो जाता है, तो कि आपका शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब भी आप गाड़ी को खड़ी करें, जिस इलेक्ट्रिक गाड़ी भी हो, तो आप ये सुनिश्चित जरूर करें कि आपकी जो गाड़ी है वह डायरेक्ट सनरूफ या सनसेट में ना खड़ी हो, आपको उसको थोड़ा सा धूप से बचा के खड़ी करें। क्योंकि जब डायरेक्ट गाड़ी पर आपकी सूरज की रोशनी पड़ती है तो जो बैटरी है वह काफ़ी ज़्यादा उसका जो तापमान है बढ़ जाता है, तो ये एक कारण हो सकता है इसमें आग लगने का। दूसरा अगर बात करें तो जब भी आप गाड़ी को चार्ज करें तो गाड़ी चार्ज करने के तुरंत बाद उसको ना भगाएं, क्योंकि जब आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज होती है तब भी उसमें टेम्परेचर जो है हाई होता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा समय एक दो मिनट का वेट करके तब आप गाड़ी को चलाएं। और जब भी आप शुरुआत में चलाएं तो गाड़ी को हमेशा स्लो स्पीड में ही चलाएं, क्योंकि जब भी आप हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो जो उसका बैटरी की पावर है वो ज़्यादा तेज चलता है, और जिससे कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है आपकी गाड़ी में आग लगने का। अगर तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरा मेरे हिसाब से गाड़ी में आग लगने से होना ये है कि उससे हम जो छेड़छाड़ करते हैं। यहाँ दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपनी गाड़ी में तरह तरह के मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, जैसे कि एवरेज को बढ़ाना, बैटरी के साथ कुछ आपका हेयर फेयर करना जिससे कि बैटरी की वारंटी बढ़ जाए या आप बैटरी लाइफ बढ़ जाए या आपकी गाड़ी का एवरेज बढ़ जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करने से बचना चाहिए। यदि आप एक्सपेरिमेंट करना भी चाहते हैं तो अपने किसी एक्सपर्ट की सलाह के अंडर में ही करें, नहीं तो आपको ये दिन देखना पड़ सकता है कि आपकी जो गाड़ी है वह भी कुछ इस प्रकार से जल रही होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ रीज़न गाड़ी में आग लगने की वजह के, जो कि मेरे हिसाब से मैंने अपने हिसाब से बताने की कोशिश करी है। आप क्या सोचते हैं कि इस गाड़ी में आग लगने का एक्चुअल रीज़न क्या हो सकता है, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी और वीडियो जानने के लिए मैं टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिक गाड़ी पर वीडियो लाता रहता हूँ। यदि आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी आपको जानकारी मिल सके, वो भी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।